Here we are taking a very very thin sheet like this. Sheet है, so length के साथ इसका breadth भी यानी area है इसका. इस thin sheet पे plus charge occupy है, like this. Here you we can take this. Okay? इस plain sheet पे इस तरफ और इस तरफ आपका charge है और इस sheet की वजह से electric field intensity कितनी होगी that we will determine. Okay? दिस शीट ये जो है बहुत बहुत बड़ी शीट है. अब इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियस थ्योरम अप्लाई करनी है और गॉसियस थ्योरम लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनानी है. गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक सिलेंडर ले रहे हैं जो कि इधर अंदर की ओर भी है बाहर की ओर भी है. ये सिलेंडर निकला हुआ है और सिलेंड्रिकल में जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. इस शीट पे इस तरीके से जैसे हमने ये पेन डाल रखा है, ये पेन को आप समझ सकते हो सिलेंडर है इस सरफेस पे और ये पीछे भी है इसका जो है, तो ये दोनों तरफ है और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है. सिलेंडर के जो है फाइनाइट लेंथ का है. इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमको साफ दिखाई दे रहा है. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम मान रहे हैं अपने उसमें यहाँ डायग्राम पे, ये ए मान रहे हैं, कंप्लीट ए मान रहे हैं. और दिस इज, अब ये जो शीट है हमारी इस पे प्लस चार्ज है. प्लस चार्ज से हमें आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी. ये अगर हमारी शीट है तो शीट के बिल्कुल जिस तरीके से ये सिलेंडर है तो सिलेंडर की फॉर्म में ही हमारी इस तरीके से ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से सब तरफ मिलेगी और हम सिर्फ कंसिडर करेंगे जो हमने गॉसियन सरफेस मानी उस पर कहाँ है. अब ये जो गॉसियन सरफेस हमने मानी है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज ये जो आपका सिलेंडर है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं. अब यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे निकालेंगे, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पे, पीछे बैक साइड भी ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे और यहाँ पे कहीं पे भी एक सरफेस पे हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे. अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पे ये छोटा वाला, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो ये छोटा स्मॉल एलिमेंट माना डी ए, इसका एरिया वेक्टर दोनों जो है डबल यहाँ एरो बने हुए, दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन होने की वजह से इनके बीच का एंगल जो होगा वो जीरो डिग्री होगा, यानी कॉस जीरो वन होता है. इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाला साइड लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से इधर होगी. दोनों ये जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी ये जो हमारा इधर का सिलेंडर दिख रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों सेम होगी. अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम निकालेंगे तो ए इस तरफ आएगा और ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी भी डायरेक्शन दोनों की जो आएगी वो सेम आएगी यहाँ पे भी, तो यहाँ भी थीटा. तो नाउ वी गॉट हियर टू पॉइंट्स इस पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, एवरीवेयर वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री बना. अगर हम इस सरफेस पे यहाँ कहीं पे ले लें इस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है और इसका एरिया वेक्टर के ऊपर डायरेक्शन आएगी. सो इस तरीके से ये इफ सपोज वी आर टेकिंग हियर, यहाँ कहीं पे पॉइंट पे लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे ये बन रहा है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है. दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से इस पूरी सरफेस पे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी हम लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जीरो आएगा क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री. वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली टू प्लेसेस, वन हियर एंड अदर हियर. रेस्ट पूरे के पूरे जो गॉसियन सरफेस का बाकी ये वाला जो पोर्शन है इस पे हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आएगा. पहले वाले केस में उल्टा हुआ था, ओके, जो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला किया था. तो अब यहाँ पे अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें इस वाले उसके लिए, तो हमें इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम इन दिस वे, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए ओनली ड्यूज टू दो पर्सन. तो इन दोनों के बीच का एंगल जीरो होने की वजह से हम ईडीए लिख सकते हैं और हमने यहाँ पे मान रखा है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर या ए मान लिया है. तो कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ डीए विल कम ए, सो इट विल कम फाइ इज इक्वल टू टू ई ए. फाइ इज इक्वल टू टू ई ए वी आर गेटिंग बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट गॉसियस थ्योरम स्टेट की इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ योर गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे हम
क्यों तो इतना बड़ा चार्ज यहाँ सब जगह स्प्रेड है, इस हमारा जो गॉसियन सरफेस बनाई है इस पे कितना चार्ज आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को इसके एरिया से, सरफेस चार्ज एरिया को हम जो सरफेस चार्ज को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट हियर चार्ज इसके ऊपर कितना है हमारा इस गॉसियन सरफेस पे। ध्यान देना यहाँ पे हमने वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी है, इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, इतनी ज्यादा लेंथ है एरिया कम हो तो पहले वाले केस में यह था, पर यहाँ पे ये जो है ये क्रॉस सेक्शनल ये जो है ये पोर्शन इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे कि इतने यूनिट इस पे कितना एरिया पे हमारा चार्ज आ रहा है तो इतने एरिया पे कितना आएगा, तो दैट वी विल गेट सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को आप इक्वेट, तो यहाँ पे एरिया आपका ये बिल्कुल कट गया। अब हमारा बचा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे जो शीट ली थी हमने पहले ही हमने नाम पे लिखा है कि एन इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट शीट है, इसीलिए हमें यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट भी देना पड़ा था। सो एक्सप्रेशन इज कमिंग E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पॉइंट ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे आर नाम की चीज नहीं आ रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी में ई जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के था और वहां पे जो ग्राफ आ रहा था वो इस तरीके का आ रहा था, पर यहाँ पे आर है ही नहीं, तो आर और ई के बीच में ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन विल कम। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, तो देन ई इफ यू आर टेकिंग वाई एक्सेस आर यू आर टेकिंग ऑन एक्स एक्सेस तो कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन यू विल गेट। सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस रिजल्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ई डिपेंड्स ओनली सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये कैसी भी ये सभी जो है प्लेन जो है एनी शीट ऑफ चार्ज के लिए